लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने जो कमांड्स डिस्कस की थी वो प्लॉट, प्लॉट 3D और कंट्रोल प्लॉट, इसके अलावा एनिमेट की कमांड थी। उन कमांड्स के लिए हम लोगों ने पोटेंशियल का फंक्शन डिस्कस किया था, उसको हम लोगों ने मोनो पोटेंशियल, डाई पोटेंशियल और क्वाड पोटेंशियल वगैरह के लिए हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। सो सिमिलरली हम लोग उसी जो पोटेंशियल फंक्शन है उसको हम लोग वेक्टर प्लॉट की मदद से भी शो करवा सकते हैं। सो अगर वेक्टर प्लॉट की मदद से अगर आप हम लोग को शो करवाना चाहते हैं तो देन हमें वेक्टर प्लॉट के लिए जो प्रीलिमिनरीज हैं उन कमांड्स जो हैं उनको डिस्कस करना होगा। सो मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा, जिनमें जो फर्स्ट कमांड है कोऑर्डिनेट सिस्टम की है। बाय डिफॉल्ट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है मैथमेटिका के अंदर वो यूजली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे सिस्टम्स के अंदर भी मूव कर सकते हैं, जैसे स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल के अंदर है, या इसके अलावा हम लोग उन्हीं कमांड्स को यूज करते हुए कुछ अगर हमारे पास पॉइंट जो है अगर कार्टेशियन में दिया हुआ है तो देन हम लोग सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर कोई बिल्ट इन कमांड नहीं है तो मसलन स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में जाने के लिए या सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में जाने के लिए, तो उन कमांड्स के लिए हम लोग बेसिक फंक्शंस बना लेंगे अपनी तरफ से, जिनको यूटिलाइज करते हुए हम लोग स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के दरमियान वाइस वर्स करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें पॉइंट्स की। सो जो बाय डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, मैं यहाँ पे साथ साथ छोटा छोटा मैसेज भी टाइप करता जाऊँगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम इन मैथमेटिका, कुछ स्पेलिंग का आगे पीछे हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा। सो इसके लिए हमें नहीं अब ठीक है। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्टन एक पैकेज होगा उसको लोड करवाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लोड पैकेज। वो पैकेज कैसे हम लोग लोड कर सकते हैं, आप लोग जिस तरह से हम लोग C++ या C# के अंदर लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाते हैं, सिमिलरली यहाँ पे मैथमेटिका के अंदर हम लोग लाइब्रेरी की बजाय उसको नाम पैकेज का देते हैं। ठीक है, सो पैकेज मीन कि हम लोग कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी इसके अंदर क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग उसकी फंक्शनैलिटीज को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। सो यहाँ पे पैकेज लोड करवाने का तरीकाकार जो सिंटेक्स है ये वाले आप सिंबल यूज करेंगे, उसके बाद पैकेज का नाम एग्जैक्टली आप लोग टाइप करेंगे। सपोज हमारे पास जो पैकेज का नेम है वेक्टर एनालिसिस के नाम से है। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस, अब आपको इसके स्पेलिंग एग्जैक्टली पता होना चाहिए। उसके बाद आप ये आई थिंक ये है सिंबल, ठीक है, ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ये एग्जैक्टली वन के साथ लेफ्ट साइड के ऊपर जो अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल है वो वाला सिंबल यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके बाद हम लोग इनिशियली क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन होता है। सो हम लोग मैसेज चेक कर लेते हैं कि चेक द नेम ऑफ डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट्स कह लें या कोऑर्डिनेट सिस्टम कह लें। सो उसके लिए जो कमांड है वो एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स ठीक है। अब वो एक यहाँ पे वो एक कमांड कह रहा है कि जनरली जो वेक्टर एनालिसिस है ना वो एब्सोल्यूट हो गया है, मतलब वो हर एक वर्जन के अंदर एग्जिस्ट करता है। बाज़ दफ़ा हो सकता है मेरे पास मैथमेटिकल 11 है तो उसमें ये इंस्टॉलेशन के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, सो इस मैसेज से ऐसा मसला नहीं हो सकता, आप लोगों के पास मैथमेटिका 9 हो या मैथमेटिका 6 हो तो उसमें ये इंक्लूडेड ना हो।
ठीक है, लेकिन आप लोग इस तरीके से उसको इंक्लूड करवा सकते हैं। सो उसके बाद जब वो वेक्टर कोऑर्डिनेट्स की कमांड एग्जीक्यूट करता है तो वो हमें ये शो करवा रहा है कि कोऑर्डिनेट्स एक्सिस कौन से हैं, एक्स वाई जी हैं, कंपोनेंट्स ये आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो इट्स नॉट गोइंग टू से कि आपके पास जो है ना कार्टेशियन है, हमें इसके आर्गूमेंट से अंदाज़ा लगाना होगा कि ये कार्टेशियन है, जबकि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के आपके पास क्या होते हैं, हाँ जी, तो वो वाले कंपोनेंट आएंगे। सो अगर आप लोगों ने जहाँ पे भी ये कमांड चलाएंगे तो जो आपके सेट कोऑर्डिनेट्स होंगे उनकी पैरामीटर्स को यहाँ पे ये शो करवा देगा। मिस्टर आगे हम लोग कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने के बाद यही कमांड दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो जो उस वक्त मैथमेटिका के अंदर कोऑर्डिनेट्स सेट हुए हुए होंगे वो उसी को आउटपुट में शो करवाएगा। ये बात समझ में आ गई कि अभी फिलहाल हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं किए तो इस कमांड ने वही कोऑर्डिनेट शो करवा दिए जो कि डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ी देर तक दूसरी कमांड्स की मदद से कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देते हैं तो देन दोबारा जब ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो क्या करेगा, दोबारा कोऑर्डिनेट एग्जीक्यूट दोबारा करेंगे तो वो जो कोऑर्डिनेट शो करेगा वो जो चेंज होंगे वो शो करवाएगा, वो कार्टेशियन वाले शो नहीं करवाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि हम लोग किस कमांड्स की मदद से इसको चेंज कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, चेंज द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट वेरिएबल्स। तो इस कमांड की यानी कि बाय डिफॉल्ट जो उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स वाई जेड हैं। इस कमांड जो नीचे हम लोग कमांड यूज करेंगे इसकी मदद से हम लोग उसके अपनी मर्जी से वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं नाम, मतलब एक्स वाई जी के बजाय अगर हम लोग सपोज करें ए बी सी रखना चाहते हैं, ठीक है, या जो सिलेंड्रिकल वाले हैं वही इसको असाइन करवाना चाहते हैं, या स्फेरिकल वाले हैं वो इसी को असाइन करवाना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जी, तो देन हम लोग सेट कोऑर्डिनेट्स की कमांड है, सेट कोऑर्डिनेट्स नीचे वाली कमांड आ रही है, आप इसको ऑप्ट कर लें, इसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहां पे पास कर दें कार्टेशियन, और यानी कि अब इस सेट कमांड सेट कोऑर्डिनेट्स की क्या करेगी, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या सेट कर देगी, कार्टेशियन, ऑल्दो भी पहले भी क्या है कार्टेशियन ही है, लेकिन हमने जस्ट किसमें इसके क्या करना है वेरिएबल्स के नाम चेंज करने हैं। सो जो वेरिएबल्स के नाम चेंज करने हैं, अलोंग एक्स एक्सिस आपने एक्सपोज करने आर रखना है, अलोंग वाई एक्सिस आपने थीटा रखना है, और अलोंग जी एक्सिस आपने क्या रखना है जेड रखना है, तो ये इसको सॉरी उसको वो चेंज कर देगा। सो नाउ तो अब देखें कार्टेशियन के उसने जो आर्गुमेंट्स हैं वो क्या कर दिए हैं, आर थीटा जेड कर दिया। नाउ लेट्स सी कि वो अगर ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या शो करवाता है। ठीक है, अब देखें वो एक्स वाई जी की बजाय क्या शो करवा रहा है, आर थीटा जेड है, लेकिन यहाँ पे ये जेन में रखें कि अभी तक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कौन सा है, कार्टेशियन ही है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कौन सा है कार्टेशियन है, लेकिन उसने उसके वेरिएबल मतलब आप यहाँ पे आर थीटा जेड तो मैंने अपनी मर्जी से लिखे, आप ए बी सी लिखेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, ए बी सी कर देगा। सो इट्स मीन कि दो अभी तक हम लोगों ने कमांड्स डिस्कस किए हैं, एक कोऑर्डिनेट्स की, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे तो वो बता देगा कि जो डिफॉल्ट हैं या जो आपने सेट किए हुए हैं वो कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं। मतलब आप सपोज करें मैथमेटिका पे काम कर रहे हैं, आपने तीन चार मरतबा कोऑर्डिनेट्स के दरमियान इंटरचेंजिंग की है, ट्रांसफॉर्मेशन की है, तो आपको भी याद नहीं रहा कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है, तो आप एग्जैक्टली ये टाइप करेंगे कोऑर्डिनेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, तो देन वो क्या करेगा, जो भी डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको वो शो करवा देगा। सो बाय सेट कोऑर्डिनेट्स आप लोग क्या कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। पहला जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो ये है कि जो कार्टेशियन या कोई भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके आप वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब एक्स वाई जी को किस में कन्वर्ट कर दें, जो भी ए बी सी आर थीटा जी जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। सो अगर हम लोग
सिमिलरली इसकी सेकेंड जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं हम लोग. इस कार्टेशियन सिस्टम से सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, वो बिल्ट इन फंक्शन एग्जिस्ट करता है. जैसे मैंने शुरू में बोला कि हम लोग बिल्ट इन कमांड्स एग्जिस्ट करती हैं जिससे क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन सिस्टम से सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में जा सकते हैं और सिमिलरली स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में आ सकते हैं. लेकिन सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में जाने के लिए हमें कुछ अपनी मर्जी से फंक्शन बनाने पड़ेंगे, वो बिल्ट इन कमांड्स एग्जिस्ट नहीं करती. सो कमिंग टू वर्ड्स, हम लोग यहाँ मैं फिर एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ के ट्रांसफॉर्मेशन कह लें फ्रॉम कार्टेशियन जो भी स्पेलिंग है टू अदर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, सॉरी. तो कमांड है कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम, कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टेशियन. यानी कि अब ये इस कमांड को समझ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए. कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टेशियन से क्या मतलब, सिंपल वर्डिंग भी आप इसको ट्रांसलेट कर लें तो इसका मतलब ये है कि कार्टेशियन से जो भी आप लोग ड्राइव करना चाहते हैं, कार्टेशियन से जिसमें भी आप शिफ्ट करना चाहते हैं उसके लिए फंक्शन होगा. सपोज दूसरा फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन है, तो इसका मतलब है हम लोग दूसरे कोऑर्डिनेट से किस में ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, कार्टेशियन के अंदर. सो मैं इसी फंक्शन को ओप कर लूँगा टू अवॉइड जो स्पेलिंग एरर है. सो सपोज करें मैं यहाँ से सिलेंड्रिकल के अंदर मूव करना चाहता हूँ, सिलेंड्रिकल आ जाएगा. देन उसके बाद जो सिलेंड्रिकल के आर्गुमेंट्स आपने रखने हैं, सिलेंड्रिकल के जो आर्गुमेंट्स रखने हैं, सपोज करें आर थीटा जी होते हैं सिलेंड्रिकल के कि नहीं, चलें जो भी आप लोग रखना है. सपोज आपने यहाँ पर जो भी रो फाइव चलें जो भी वेरिएबल नेम होंगे आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं. सो शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप जो कोऑर्डिनेट्स वो आर थीटा जेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सॉरी आपने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टेशियन के अंदर आपने यहाँ पे लिस्ट पास करनी है एक्स वाई जी की, मतलब एक्स वाई जी को क्या करेंगे पास करेंगे तो वो उसको क्या करेगा, जो भी आप वैल्यूज पास करेंगे उसको वो जो भी यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे उसको वो क्या करेगा कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देगा. मतलब ये ओबियसली सॉरी इसकी हेल्प में चले जाते हैं. अब देखिए ये वाली जो कमांड है वो क्या कह रहा है कि जो बाय डिफॉल्ट आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो बाय डिफॉल्ट कौन सा था, पहले भी कार्टेशियन था. सेट कोऑर्डिनेट्स की कमांड की मदद से आपने क्या कन्वर्ट कर दिया कार्टेशियन में, चाहे उसके आर्गुमेंट क्या किए थे आर थीटा जेड ही रखे थे. लेकिन ये कमांड क्या करेगी, जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी से इस कमांड से पहले जो सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा ये उसमें शिफ्ट करेगी. तो हम लोग एक्स वाई जी पास कर रहे हैं तो इस वजह से वो उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन में जाके भी क्या रहेंगे एक्स वाई जी ही रहेंगे. सो यहाँ पे जो हम लोग कमांड एग्जीक्यूट कर रहे थे सो कोऑर्डिनेट फ्रॉम कार्टेशियन, इसके अंदर जब हम लोग लिस्ट पास कर रहे थे
एक्स कोमा वाई कोमा जी, तो ये एक्स वाई जी जो हैं ये ऑलरेडी कार्टिजियन के हैं, तो इस वजह से उनको वो क्या रहने देता है, कार्टिजियन में ही रहने देता है। हम दूसरी एक्सरसाइज भी करते हैं जिसमें किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेट करके देन हम लोग जब इसको यही कमांड यूज करेंगे तो वो वैल्यूज जो होंगी वो डिफरेंट आएंगी। सो सपोज करें कि हम लोग नेक्स्ट जो है सिलेंड्रिकल में कोऑर्डिनेट्स को सेट कर देते हैं। सपोज सेट कोऑर्डिनेट्स की कमांड हम लोग यूज करते हुए क्या करेंगे, सेट कोऑर्डिनेट्स की कमांड के जरिए हम लोग इसको कह देते हैं कि वो किस में कन्वर्ट कर दे, सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल, और उसके जो वेरिएबल होंगे वो भी हमें साथ पास करने होंगे। सपोज वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ आर कोमा थीटा कोमा जी। सो अब जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो सिलेंड्रिकल हो जाएंगे। अगर मैं अब ये वाली कमांड यूज करूंगा तो लेट्स सी वो क्या काम करता है। अब वो बाय डिफॉल्ट जो है उसमें ट्रांसफॉर्म करेगा, तो होपफुली वो जो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए उसके आर्गुमेंट्स आते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लें कि ये वाली कमांड जो क्या करती है, जो कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट किया होता है उसमें जो आर्गुमेंट पास करेंगे उनको सेट कोऑर्डिनेट्स में क्या करेगी, चेंज कर देगी। अभी जब ये कमांड चली थी तो आपके पास जो सेट कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो कार्टिजियन था, तो यहाँ पे जो आपने पास किए हैं वेरिएबल्स वो किसके थे, कार्टिजियन के ही थे, ठीक है। सो इस वजह से एक्स वाई जी ही रहे। अब जब सेट कोऑर्डिनेट्स की कमांड की मदद से आपने कार्टिजियन से किस में उसको शिफ्ट कर दिया, सिलेंड्रिकल में, और उसके आर्गुमेंट्स आपने क्या दे दिए, आर थीटा जी, यानी कि उसके वेरिएबल नेम क्या होंगे, आर थीटा जी होंगे। जब आप दोबारा कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टिजियन करेंगे यानी कि कार्टिजियन वेरिएबल्स दे रहे हैं, तो ये इसको किस में शिफ्ट कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल में शिफ्ट कर रहा है। तो आप लोग नेट से चेक कर सकते हैं कि जब कार्टिजियन को स्फेरिकल में कन्वर्ट किया जाता है तो जो यहाँ पे आर थीटा जी, आर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है, और जो आपके पास थीटा है वो टेन इनवर्स एक्स बाय वाई होता है, एंड सिमिलरली जी एज इट इज ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आपने वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स डिस्कस की होंगी, शायद मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था यही फार्मूलाज थे। सो सिमिलरली हम लोग इसको सेट कोऑर्डिनेट्स की कमांड को यूज करते हुए किस में जा सकते हैं, स्फेरिकल में भी जा सकते हैं, सेट कोऑर्डिनेट्स स्फेरिकल। अगर आप स्पेलिंग सही टाइप कर रहे हैं तो वो नीचे आपको हेल्प दे देगा, स्फेरिकल, ठीक है, यहां पे आ गया, ठीक है, स्फेरिकल। और आगे इसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आर थीटा फाई, ठीक है। अब स्फेरिकल हो गया। अब दोबारा से सपोज करें मैं यही कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टिजियन की कमांड यूज करता हूं, मैं दोबारा टाइप नहीं कर रहा, जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, तो अब वो किस में शिफ्ट करेगा, अब एक्स वाई जी को किस में शिफ्ट करेगा, स्फेरिकल में शिफ्ट करेगा, ठीक है। आई थिंक आर फाई थीटा होते हैं, चलो। सो बच्चे यहां तक समझ आ गई कि नहीं आई, मजिन मैं शुरू से फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। इनिशियली बाय डिफॉल्ट जो थे कोऑर्डिनेट्स आपके पास कौन से थे, कार्टेशियन थे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसने ये रखे हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने दो कमांड्स यूज किए हैं, एक कमांड जो है वो आपके पास सेट कोऑर्डिनेट्स की है, सेट कोऑर्डिनेट्स की है, और दूसरा कोऑर्डिनेट्स फॉर्म कार्टिजियन है, ठीक है, ऐसे ही है। सेट कोऑर्डिनेट्स की कमांड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका वर्किंग हालत में है उसको चेंज कर सकते हैं। मसलन अगर कार्टिजियन है तो उसको किस में शिफ्ट कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल में, अगर सिलेंड्रिकल है तो स्फेरिकल में, या किसी में भी अगर हम लोग इसको सेट करना चाहते हैं अपनी कैलकुलेशन को, तो वो उसी के मुताबिक फिर फ्यूचर में क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टिजियन है, तो इसकी वर्डिंग से जाहिर हो रहा है कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स आप लोग फाइंड आउट करेंगे किसकी मदद से, कार्टिजियन की मदद से, यानी कार्टिजियन आप लोग आर्गुमेंट में देंगे तो वो किस में शिफ्ट कर देगा, सिलेंड्रिकल में या स्फेरिकल में।
तो अब सपोज करें जब आप लोग यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम यूज कर रहे हैं अब ये भी देखें कि अगर आप साथ जो है ना आर्गुमेंट में नहीं पास करते, देखें कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टेशियन में आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जी पास कर रहे हैं, तो जो डिफॉल्ट यहाँ पे सेट इस कमांड एग्जीक्यूट होने से पहले जो भी आपने कोऑर्डिनेट सेट कर दिया होगा, ये कार्टेशियन कंपोनेंट को क्या करेगा, उसी में शिफ्ट करेगा, ठीक है, उसी में ट्रांसफॉर्म करेगा। मतलब अगर आपने सिलेंड्रिकल कर दिया है तो कार्टेशियन को किस में ट्रांसफॉर्म करेगा, सिलेंड्रिकल में। अगर आपने स्फेरिकल कर दिया है तो ये किस में ट्रांसफॉर्म करेगा, स्फेरिकल के अंदर करेगा। और जब स्फेरिकल में करेगा तो आपके पास ये वाली आउटपुट आएगी। नाउ इट्स नॉट कि आप यहाँ पे एक्स वाई जी पास करेंगे, आप यहाँ पे एक्स वाई जी की वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। मिस्टर एक्स वाई जी क्या चीज है, आप इनकी वैल्यूज सपोज करें 7, 9, 8 पास कर दें, तो 7, 9, 8 को क्या करेगा, यहाँ पे इन फार्मूलाज के अंदर पुट करके जो भी आंसर बनेगा वो आप लोगों के सामने शो करवा देगा, ठीक है। मतलब हम लोग एक्स वाई जी तो जनरली वेरिएबल रखे हुए हैं, आप इनकी वैल्यूज रख के इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट सपोज इस पॉइंट को आप कार्टेशियन से स्फेरिकल सिस्टम में लेके जाना चाहते हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू दीज फार्मूलाज होगी जो उसने सामने शो करवा दिए हैं। समझ आ गई ये चीज। अब नेक्स्ट चलें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल में जा रहे हैं। अब सिमिलरली हमारे पास कमांड एग्जिस्ट करती है जिसमें हम लोग सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल से किस में आ सकते हैं, कार्टेशियन में आ सकते हैं। सो उसके लिए कमांड जो है वो कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन, यानी कि अब यहाँ पे देखें टू का क्या मतलब है, वो कोई भी कार्टेशियन सिस्टम होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा होगा, कार्टेशियन में। तो फ्रॉम का क्या मतलब है कि हम लोग कार्टेशियन से किसी और में जा रहे होंगे, टू का क्या मतलब है किसी और से हम लोग कार्टेशियन में आ रहे होंगे। ये बात समझ में आ गई। सो उसके बाद आर्गुमेंट्स में हम लोग क्या पास करेंगे, सपोज करें कि हम लोग यहाँ पे इसके जो कार्टेशियन के आर्गुमेंट्स रखना चाहते हैं, वेरिएबल नेम रखना चाहते हैं, वो एक्स वाई जी हैं और वो कहां से आ रहे हैं, वो सिलेंड्रिकल से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, ठीक है, फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स टू की कमांड हम लोग यूज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन, और यहां पे अगेन हम लोग आर्गुमेंट में क्या पास कर दें, यहां पे एक्स वाई जी और यहां पे स्फेरिकल पास कर दें, ठीक है। तो ये किस तरीके से उनको ट्रांसफॉर्म करेगा, कार्टेशियन के अंदर ये वाले फार्मूलाज दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पे आपको वो ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, बेसिक बिहाइंड फार्मूलाज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं कार्टेशियन से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए और दूसरे सिस्टम से कार्टेशियन में आने के लिए। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पास करेंगे तो उन वैल्यूज का वो क्या करेगा, यहाँ पे ये इन फार्मूलाज में इम्प्लीमेंट करके जो आंसर आएगा वो आप लोगों के सामने शो करवा देगा, ठीक है। फ्रॉम एक्स वाई जी डजंट मीन के जो है ना यहाँ पे वेरिएबल नेम आपने पास करना है, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यूज आप लोग प्लेस कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन ये वाली जो एक्स वाई जी की वैल्यूज होंगी ये बेसिकली सिलेंड्रिकल सिस्टम के अंदर होंगी। यहाँ पे एक्स वाई जी की वैल्यूज जो होंगी वो स्फेरिकल सिस्टम के लिए होंगी, जिनको ये इस फार्मूलाज की मदद से क्या करेगा, किस में शिफ्ट करेगा, कार्टेशियन में शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब अच्छे एक चीज गौर करें कि हमारे पास स्फेरिकल है, सर्कल जाने का मतलब ये नहीं है स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, और इस तरह से हमारे पास कार्टेशियन है, ऐसे ही है। हम लोग इधर से इधर आ सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे ही है। यहाँ इधर से हमने अगर इधर जाना है, मैं इन कमांड्स के साथ लिख देता हूं, अगर आपने कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में जाना है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम
कार्टेशियन होगा इधर जाना है, तो अगर वापस आपने इधर आना है तो कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, अगर कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में जा रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टेशियन, एंड सिमिलरली यहाँ पे सिलेंड्रिकल हो तो उसका कार्टेशियन आएगा। सो मैं यहाँ पे कार्टेशियन सी ए लिख देता हूँ, यहाँ पे कार्टेशियन के लिए सी आएगा, एंड वाला कार्टेशियन ही है, एंड वाला जो सी है। सो अगेन यहां से वापस आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन, ठीक है। सो अब एक चीज यहाँ पे देखिए, हम लोग यहां से ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग कमांड्स नहीं है, लेकिन हम लोग इसी वाई को यूज करते हुए अगर सपोज करें स्पेरिकल दिया हुआ है उसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेरिकल को कार्टेशियन में कन्वर्ट करें और कार्टेशियन को फिर किस में कन्वर्ट करें, सिलेंड्रिकल के अंदर। एंड सिमिलरली अगर सिलेंड्रिकल दिए हुए हैं और स्पेरिकल में कन्वर्ट करें तो पहले सिलेंड्रिकल को किस में कन्वर्ट करें, कार्टेशियन में, और कार्टेशियन को किस में कर लें, तो मतलब हम लोग अपनी मर्जी से फंक्शन बना सकते हैं जो क्या करेगा, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, या सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। सो ये बात समझ में आ गई, इनके बिल्ट इन कमांड्स वो वाली एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से फंक्शन बना सकते हैं उन्हीं कमांड्स को यूज करते हुए। सो जो हम लोग मैं यहाँ पे एक छोटी सी वर्डिंग लिख देता हूं, डिफाइन अ फंक्शन विच कन्वर्ट्स सिलेंड्रिकल टू, पहले कर लें सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल, देन सिमिलरली हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे जो क्या करेगा, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल जाएगा। सो आप लोग यहाँ पे लिख लें सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल जा रहे हैं, तो फंक्शन नेम जो है वो आप उसी तरह से लिख लें। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फंक्शन नाम कंप्लीट लिखना चाहते हैं या जितना भी लिखना जो आपको याद रहे। सिलेंड्रिकल, ये स्पेलिंग है, सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल जाना चाहते हैं। फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। जो पैरामीटर्स होंगे, अब आपने सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल जाना है, तो यहाँ पे आपने सिलेंड्रिकल के आर्गुमेंट पास करने हैं। सो वो कौन से हैं, आर अंडरस्कोर कोमा थीटा अंडरस्कोर कोमा जी अंडरस्कोर, ठीक है, और उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट कॉलन इक्वल, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल जाना है, जहां से हमें इधर जाना है, पहले हम लोग सिलेंड्रिकल को किस में कन्वर्ट करेंगे, कौन सी कोऑर्डिनेट्स टू सिलेंड्रिकल, ये वाली कमांड, सॉरी कार्टेशियन, और कार्टेशियन को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्फेरिकल में शिफ्ट करेंगे। सो कमांड हम लोगों ने वही ऊपर वाली यूज करनी है। अब देखें, मैंने पहले इन सिलेंड्रिकल को किस में शिफ्ट करना है, कार्टेशियन में, यानी कि कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन आएगा, ऐसे ही है। कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन, और उसके आर्गुमेंट में क्या आ जाएगा, आर थीटा जी आएंगे, ऐसे ही है, क्योंकि अब हम लोग यहां पे जो वैल्यूज दे रहे हैं ये शिफ्ट होंगी ना, जो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, जो वैल्यूज दे रहे हैं इसके, वही उसको क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। आर थीटा जी को किस में ट्रांसफॉर्म करेगा, ये कौन से दिए हैं, सिलेंड्रिकल दिए हुए हैं ना, स्पेलिंग ठीक है, लेट्स सी के वो सिलेंड्री डी ई नहीं आता, सिलेंड्रिकल में शिफ्ट करेगा। अब ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस में आ चुके हुए हैं, सिलेंड्रिकल आएगा या कार्टेशियन आएगा, अच्छा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं
यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स टू की कमांड के अंदर हमने ये कहा था कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस में दिए हुए हैं, वो सिलेंड्रिकल में दिए हुए हैं, इसको किस में शिफ्ट करना है, कार्टेशियन में शिफ्ट करना है, ठीक है। जहाँ पे हमने जो पास करना है, जो गिवन सिस्टम है वो पास करना है, गिवन कौन सा है आपके पास, सिलेंड्रिकल है, जिसमें कन्वर्ट करना है कार्टेशियन है, ठीक है। तो जो आर्गुमेंट हमने पास रखे हुए हैं सिलेंड्रिकल के किस में फॉर्म में होते हैं, आर थीटा जी, तो यहाँ पे हम लोग आर थीटा जी जो पास करें, अगेन मैंने यहाँ पे ये भी बोला था एक्स वाई जी वेरिएबल नेम है, हमने यहाँ पे वैल्यूज पास करनी है, मतलब वो वाले एक्स वाई जी मैंने यहाँ पे एक्स वाई जी लिखने का मतलब यह है कि आउटपुट में वो एक्स वाई जी की फॉर्म में आ जाए। इसको दोबारा से फिर समझ लें, यहाँ पे वेरिएबल सपोज आप 2, 5, 6 या सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं कि पहला आर डिस्टेंस आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए, फिर थीटा की वैल्यू आ जाए, सपोज करें आप 2π लिख लेते हैं, ठीक है। जी आपके पास स्पेस कंपोनेंट है, ठीक है। सो आप जब उसको लिखेंगे तो वो इस फॉर्मेट इसकी इन फार्मूलाज की मदद से शिफ्ट करेगा। यहाँ पे एक्स वाई जी लिखने का मतलब यह है कि क्योंकि ये वाले जो हैं वो अब आपके पास कार्टेशियन हैं, तो कार्टेशियन के अंदर जो आपके पास वेरिएबल होते हैं वो एक्स वाई जी की फॉर्मेट में होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एक्स वाई जी पास किए ताकि फार्मूले के अंदर एक्स वाई जी ही नजर आए, ठीक है। सपोज करें यहाँ पे आर थीटा जी पास कर देते हैं, तो यहाँ पे आर थीटा जी लिखा हुआ था, तो देन आप कहते हैं ये तो ऑलरेडी सिलेंड्रिकल के अंदर ही रहे, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन फिर से समझ लें कि यहाँ पे हमने वैल्यूज पास करनी है, ठीक है। जिस सिस्टम की पास करेंगे वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। ये वैल्यूज कौन किसकी हैं, सिलेंड्रिकल की हैं, ठीक है। दैट डजंट मीन कि ये एक्स वाई जी उसके आर्गुमेंट्स के वेरिएबल नेम है, यहाँ पे वैल्यूज हैं। मैंने उस वक्त वहां पे बता दिया था कि एक्स वाई जी वैल्यूज हैं, वेरिएबल नेम वो कोऑर्डिनेट्स वाले नहीं है। जस्ट यहाँ पे एक्स वाई जी रखने का मकसद ये है कि जो आउटपुट में आ रहे हैं वहां पे भी एक्स वाई जी आ रहा है, और यहाँ से यही लगे कि ये आपके पास कार्टेशियन ही है शिफ्ट होने के बाद। सो यहाँ पे इस कमांड के अंदर आपने यहाँ पे जो वैल्यूज पास करनी है उनका सिस्टम साथ बताना है कि ये जो वैल्यूज हैं वो सिलेंड्रिकल की हैं। देन वो क्या करेगा, इस कमांड को यूज करते हुए इस सिलेंड्रिकल की इन वैल्यूज को कार्टेशियन में शिफ्ट करेगा। सिलेंड्रिकल की इन वैल्यूज को किस में शिफ्ट करेगा, कार्टेशियन में। सिमिलरली सिलेंड्रिकल की इन वैल्यूज को किस में शिफ्ट करेगा, कार्टेशियन के अंदर। सो अब देखो ये वाली कार्टेशियन में वैल्यूज शिफ्ट हो चुकी हुई हैं, ऐसे ही है। अब हमने कहां पे जाना है, कार्टेशियन टू कार्टेशियन से किस में जाना है, स्फेरिकल। तो कौन सी यूज होगी, कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टेशियन, कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टेशियन यूज होगा, ऐसे ही है कि नहीं। सो अब देखें ये वाली जो चीज है ये कहां पे पास होगी, यहाँ पे अब आपके पास कार्टेशियन कंपोनेंट्स आ चुके हैं, सपोज वो एक्स वाई जी की फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। तो जब हम लोग ये वाली फ्रॉम वाली कमांड यूज करते हैं, फ्रॉम वाली कमांड के अंदर अगर आप लोग गौर करें तो अगेन यहाँ पे हम लोग साथ मेंशन कर सकते हैं कि हम लोग किस कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन में आ रहे हैं। वो कमांड मैंने 2-3 मरतबा यूटिलाइज की है, डिफॉल्ट के वक्त भी की है, और सिलेंड्रिकल में शिफ्ट करने के बाद भी की है, और स्फेरिकल में, जस्ट टू प्रूव के जिसमें आपका सेट कोऑर्डिनेट होगा उसी में ये वो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, इस कार्टेशियन फ्रॉम कोऑर्डिनेट के अंदर यहाँ पे उसको सिस्टम भी साथ पास कर सकते हैं कि वो किस में ट्रांसफॉर्म करे, जो अभी है हम लोग इस एग्जांपल के अंदर बाय डिफॉल्ट डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कौन सी कमांड, अब आउटर में इसकी कमांड आ जाएगी कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टेशियन, उसके अंदर यहां पे ये कोऑर्डिनेट्स आ गए जो कि किस फॉर्मेट में है,
सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में आ चुके हुए हैं, अब हमने इनको किस में ट्रांसफॉर्म करना है, स्फेरिकल के अंदर। तो यहां पे क्या आ जाएगा ठीक है, अब दोबारा स्पेस समझ लें, ये वाली जो कमांड है वो सिलेंड्रिकल को किस में शिफ्ट करेगी, कार्टेशियन के अंदर। सो यहां पे आर्गुमेंट्स किस फॉर्म में आ चुके होंगे, कार्टेशियन फॉर्म में आ चुके होंगे। इन कार्टेशियन को फिर वो किस में कन्वर्ट करेगा, स्फेरिकल के अंदर। तो हम लोग क्या चाहते थे, सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल जाना चाहते थे, इतना पोर्शन सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन में, और ये कंप्लीट कमांड क्या करेगी, इन कार्टेशियन कंपोनेंट्स को किस में शिफ्ट करेगी, स्फेरिकल में शिफ्ट करेगी। सो ये अब आपके पास फंक्शन बन गया है, इसको फर्दर हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। मस्टर्न मैं इसी फंक्शन को यूटिलाइज करता हूँ सिलेंड्रिकल स्पेलिंग वही रखने होंगे, या एक आसान तरीका कार ये होता है कि टू अवॉइड एनी एरर आप उसको कॉपी पेस्ट कर लें, या शॉर्ट नाम ही शॉर्ट रखें ताकि आपकी स्पेलिंग की एरर ना रहे। सो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, आर थीटा जी जो वेरिएबल होंगे वो पास करने होंगे। तो आर थीटा जी जो है आप लोग एग्जांपल के अंदर यहाँ पे पास कर सकते हैं, सपोज करें 7 पास कर दिया, उसके बाद आप थीटा पास करना है, तो सपोज करें मैं इसको पास कर देता हूँ पाई बाय 3, एनी वैल्यू कोई भी पास करनी है जो कि थीटा फॉर्मेट में होगी। सिमिलरली जी पास कर दें 5, ठीक है, तो ये उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब ये किस में है, सिलेंड्रिकल को उसने किस में शिफ्ट किया है, स्फेरिकल, और उसके बिहाइंड उसने सारा काम क्या किया होगा, पहले 7 पाई बाय 3, 5 को किस में ट्रांसफॉर्म किया होगा, कार्टेशियन में, देन जो वेरिएबल वैल्यूज आई होंगी उसको उसमें किस में शिफ्ट किया होगा, स्फेरिकल के अंदर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सो यहाँ पे वैल्यूज आर थीटा जी जस्ट वेरिएबल नेम है, इनकी वैल्यूज मैटर करेगी, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को समझ आएगी। सेम केस हम लोग किसके साथ कर सकते हैं, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल, जिस स्पेलिंग का दो देख लीजिएगा। अब स्फेरिकल के पास करने हैं तो स्फेरिकल के कौन से हैं, आर अंडरस्कोर थीटा अंडरस्कोर फाई आएंगे, ठीक है बच्चे। अब किसमें, अब स्फेरिकल को सिलेंड्रिकल में लेके जाना है, तो पहले स्फेरिकल किस में जाएगा, तो मैं यहां पे क्या कमांड यूज करूंगा, स्फेरिकल स्फेरिकल टू सॉरी कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन आएगा ऐसी है। इसके आर्गुमेंट में हम लोग क्या पास करेंगे, यहां पे आर थीटा एंड फाई पास करेंगे, ठीक है, और ये किस में शिफ्ट करेगा उसको, कहां ये वैल्यूज किसकी हैं, स्फेरिकल की हैं, ये साथ में मेंशन करना पड़ेगा, स्फेरिकल की हैं। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं स्फेरिकल की, वैल्यूज किस में शिफ्ट हो चुकी होंगी, कार्टेशियन के अंदर, तो अब इसको किस में ट्रांसफॉर्म करना है हमने, सिलेंड्रिकल। तो हम लोग अगेन क्या यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टेशियन, कार्टेशियन से लेंगे, और किस में वो ट्रांसफॉर्म करेगा, यहां पे हम लोग उसको बता देंगे तो वो सिलेंड्रिकल में करें, सिलेंड्रिकल ऐसे ही है। अब उसके बाद सेम मैं यही कमांड क्या कर सकता हूं, फर्दर यूटिलाइज कर सकता हूं, क्या चीज,
टाइम खत्म हो गया। यहाँ पे आप लोग वैल्यूज पास कर दें, मैं वैल्यूज आप लोग अपनी मर्जी से पास कर दें, मैं सिर्फ आर थीटा फाइव लिख रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली उनको क्या करेगा उसी फॉर्मेट में देख दे, बिहाइंड फार्मूला ये वाले होंगे, बिहाइंड फार्मूला जो कन्वर्जन के होंगे वो ये वाले हैं, समझ आ गई चीज ठीक है। आप जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज पास की, आप एग्जैक्टली यहाँ पे भी पास कर सकते हैं, तो वो आपके पास इस तरह से नंबर फॉर्मेट में वैल्यू देगा। अब अगेन आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो साथ यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं, एन पास कर सकते हैं, तो वो उसको सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। सो ये बच्चे बातें समझ में आ गई कि नहीं आई, सो बच्चे अब इन कमांड्स को यूज करते हुए आपको कुछ पॉइंट्स दिए जा सकते हैं, मसलन कार्टेशियन के दिए जा सकते हैं, सिलेंड्रिकल के दिए जा सकते हैं, स्फेरिकल के दिए जा सकते हैं, बाय यूजिंग दीज कमांड्स और बाय यूजिंग दीज फंक्शंस आप लोग क्या कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको सीधा कह दिया जाता है कि कार्टेशियन से स्फेरिकल में शिफ्ट करें या कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल के अंदर, तो देन आप लोग कर सकते हैं, या स्फेरिकल से कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन के अंदर, तो बिल्ट इन कमांड्स हैं। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाता है कि सिलेंड्रिकल को स्फेरिकल में कन्वर्ट करें या स्फेरिकल को सिलेंड्रिकल में, तो देन आपको ये वाले फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी, ऐसे ही है। सो जी बच्चे, सर आपने जब हमने कार्टेशियन में कन्वर्ट किया कोऑर्डिनेट्स को, तो सर आपने पहले सेट कोऑर्डिनेट्स किया था, अगर हम सेट कोऑर्डिनेट्स ना करें और साथ ही कोऑर्डिनेट पास कर दें जैसे आपने इस एग्जांपल में किया, तो देखिए अगर आपने कोई भी कोऑर्डिनेट सेट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, कार्टेशियन होगा। तो आप कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टेशियन करें या कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन करें, तो देन जो अब आपके पास क्या होगा, जैसे यहाँ पे इस कमांड के अंदर जो डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट्स थे उसने उसको ऑप किया था, यहाँ पे कौन से थे, स्फेरिकल थे, ठीक है, यहाँ पे कौन से थे, स्फेरिकल थे बाय डिफॉल्ट, तो देन उसने कौन से कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम कार्टेशियन, यानी कि उस एक्स वाई जेड को उसने क्या कंसिडर किया था, स्फेरिकल है जिसको मैंने किसमें सॉरी कार्टेशियन है इनको मैंने किसमें शिफ्ट करना है, जो बाय डिफॉल्ट स्फेरिकल है, ठीक है। अगर आप साथ पास कर देंगे कि आपने इसको किसमें शिफ्ट करना है सिलेंड्रिकल में, तो देन वो इन कार्टेशियन वेरिएबल्स को किसमें शिफ्ट करेगा, सिलेंड्रिकल में शिफ्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे पास नहीं करते तो जो डिफॉल्ट होंगे ये उन्हीं में शिफ्ट करेगा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, ओके मुस्लिम साहिल हाल चलें, बाकी इंशाल्लाह।